भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सेल का अंदर रुका था नेताजी सेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेताजी को यहाँ पे लेकर आके मतलब कि फांसी में चढ़ा देते थे। और यहाँ पे जो कैदी होता है ना वो यहाँ पे खाना बनाता है। और देख सकते हैं एक दो वेलकम बैक टू नी ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ अलग ही होने वाला है। आज का ब्लॉग अगर आप देशभक्त है तो इस ब्लॉग को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आया हूँ सेंट्रल जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। यहाँ पे बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़े देशभक्त इस जेल में रह चुके हैं। और इस जेल का अंदर आपको दिखाऊँगा कौन कौन रह चुके हैं। ऐसा तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे मतलब कि देश के आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मतलब जेल में ही शहीद हो गया। तो इस जेल का अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मतलब कि बड़े बड़े आदमी जैसे कि नेहरू है और बहुत सारे आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका सेल दिखाऊंगा इस जेल का अंदर। और इस जेल का नाम है अलीपुर सेंट्रल जेल और अभी इसको म्यूजियम बना के रखा। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो ये मैं जो जा रहा हूँ ये यहाँ पे कौन कौन रहते थे पहले वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ग्लोव्स और नेहरू सेल, उसके बाद नेताजी सेल, उसके बाद चित्तरंजन दास सेल, उसके बाद विधान चंद्र राय सेल, जतेंद्र मोहन सेनगुप्त सेल। यहाँ पे जितना सारे नाम है ना पूरा आदमी इस जेल का अलीपुर सेंट्रल जेल में रह चुका है। सामने देख सकते हैं अंग्रेज है और अंग्रेज का हाथ में देख सकते हैं क्या रखा। हम लोग को ऊपर बहुत जुल्म करते थे, बहुत मारते थे, तो हम लोग अंग्रेज लोग को अभी भगा दिया। और सामने जो देख सकते हैं ना ये फांसी है, फांसी का रस्सी है, क्योंकि इस जो सेल में हम लोग आया ये सेल में जिसको फांसी दे जाते थे, जिसको वाडा रहा जाते थे फांसी के लिए, वो लोग को ये सेल के अंदर रखते थे और वो लोग को एक दो दिन के अंदर फांसी हो जाता था। देश के लिए जो भी आज़ादी के लिए लड़ते थे अंग्रेज लोग क्रिमिनल समझते था, तो वो लोग को लेकर आके सीमेंट से पत्थर से बनाया ये बिस्तर, सीमेंट से बनाया तकिया। और एक आदमी यहाँ पे सोएगा और एक आदमी वो साइड में सोएगा, इतना दूर तक रहेगा। दोनों इस जेल का अंदर दोनों आदमी को रखेगा, प्लानिंग करेगा। इस वजह से वो लोग को दूर दूर रखा, एक साइड इधर रखा एक आदमी को और एक आदमी को उस साइड। तो ये दिखाया जेल का अंदर। और इस वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और देश के लिए जो भी लड़ते थे यहाँ पे लेकर आके रख देते थे और उसको कैसे मारते थे, मार देते थे मतलब कि जो भी देश के लिए बोलेगा उसको मार देते थे। तो उसको वो आपको दिखाऊँगा आगे। तो चलता हूँ वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ कैसे मार देते थे। और मेरा सामने जो है ना ये फांसी का मंच है। यहाँ पे जिसका फांसी होने के ऑर्डर आ जाता है उस इंसान को, उस देशभक्त को यहाँ पे लेकर आके मतलब कि फांसी में चढ़ा देते थे। और चढ़ा के वो सामने प्लेट जो है ना सामने वो प्लेट नीचे गिर जाते थे और उसका नीचे मतलब लटक जाते थे। लटकने का बाद क्या होता है मतलब है, वो जब लटक जाएगा तब ये जो नीचे दिख रहा है इसका अंदर चला जाएगा बॉडी। तो बॉडी को जब एक दो घंटा बाद निकालेगा, निकालने के बाद पोस्टमार्टम रूम उस साइड में है, यहाँ पे लेकर आके पोस्टमार्टम करने के लिए ये रूम में लेके आते थे। और अगर मतलब कि फांसी देने के दो घंटे के बाद यहाँ पे लेकर आके पोस्टमार्टम करते थे और यहाँ पे पोस्टमार्टम करके वो लोग कन्फर्म होता था कि ये जिंदा है कि मर गया। अगर बदकिस्मत में जिंदा भी होते थे तो यहाँ पे क्या करते थे मालूम है, उसका पाँव का सिरा काट देते थे और कैसे भी उसको मार देते थे काट के। और जो काट खून निकलता था ये ड्रेन से देख सकते हैं यहाँ से बहते चला जाता था। तो ये बहुत ही दर्दनाक मौत देते थे। अगर ये जेल का अंदर आ जाते थे तो यहाँ से जिंदा निकलने के लिए बहुत मुश्किल थे। तो सो गाइस ये दिखाया एक यहाँ का पोस्टमार्टम रूम और वो सामने फांसी का मंच।
तो यहाँ पे दिखाने के बाद तो मैं जाऊँगा दूसरा सेल में, तो यहाँ का जो है ना जो भी हिस्ट्री है यहाँ का बताया, तो अभी जा रहा हूँ दूसरा सेल में। और यहाँ का जेल का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री देख सकते, इतना एक तो यहाँ पे है और एक बाहर साइड, इतना ऊँचा कैसे भागेगा आदमी, कोई आदमी भाग नहीं सकता इतना ऊँचा, ये अलीपुर सेंट्रल जेल है। तो अभी दिखाऊंगा नेताजी का सेल और विधान चंद्र का राय सेल और चित्तरंजन दास का सेल और ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्त का सेल। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर जहाँ पे रुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये अलीपुर सेंट्रल जेल बहुत बड़ा जेल है, और मैं मैप देख के इम्पोर्टेंट जो जगह है वो मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं नीचे से आया, नीचे से आने के बाद यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ का ये सेल है और दूसरा सेल यहाँ पे है। अभी जो देख रहा है ये नेताजी सेल है और इस सेल का अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यही सेल का अंदर रुका था। नेताजी का पास इस सेल का अंदर था एक बिस्तर, एक किताबें, एक थैले और एक चश्मा। सभी ने अभिज्ञ आंदोलन में भाग लेने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी से लेकर 23 सितंबर 1930 तक अलीपुर जेल में रुका था। अप्रैल 1930 में अलीपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्तार किए गए कई कांग्रेस नेताओं को गार्ड द्वारा अन्य कैदी पर हमले का विरोध करने पर गंभीर रूप से पीटा गया था। उनमें से नेताजी को सिर में चोट लगा और एक घंटा तक बेहोश रहे। अभी जो सेल का सामने मैं खड़ा हूँ, इस सेल में रुके थे देशप्रिय ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्त। इनको दो बार पकड़े थे, एक बार 1930 में और दूसरा बार पकड़े थे 22 अक्टूबर 1932 से लेकर 5 जून 1933 साल तक यहाँ पे रुके थे। पूरा हिस्ट्री बताने का समय नहीं है, आप यहाँ पे आओगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा फीलिंग आएगा। और सामने जो है ना देख सकते चित्तरंजन दास की स्टैचू यहाँ पे लगा के रखा है, और आप यहाँ पे आओगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सेल का अंदर रुका था। तो नेहरू जी ने इस सेल का अंदर टोटल 80 डेज यहाँ पे रुका था, और यहाँ पे देखने के लिए नेहरू जी के देखने के लिए आती थी इंदिरा गांधी जो वहाँ पे बैठती थी, सेम जो अभी वो देख सकते हैं वहाँ पे बना के रखा, सेम उसी जगह में बैठती थी। और नेहरू जी के नेहरू जी का टाइम होते थे 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट अंग्रेज लोग देते थे कि बातचीत कर लो, सिर्फ 20 मिनट देते थे, और इंदिरा गांधी जो है ना वो पे आके इंतज़ार करती थी। और भी यहाँ पे और भी सेल है, और देख सकते हैं अंदर ही मतलब कि टॉयलेट करने के लिए जगह, और अंदर ही सोने के लिए जगह, अंदर ही खाने के लिए, और अंदर ही सब कुछ, और जो भी मतलब कि आजू बाजू में जो भी मतलब दिखाई देता है पूरा सेम टू सेम रखा है, कुछ चेंज नहीं किया। सिर्फ नीचे जो है ना ये कुछ पत्थर बैठाया, ये सिर्फ अलग है, और बाकी जो है ना बाकी देख सकते हैं पेड़ और जो भी यहाँ पे जो भी कुछ है सामान है पूरा सेम टू सेम रखा गया है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बेटी यहाँ पे बातचीत करने के लिए कभी कभी आती थी और यहाँ पे इंतजार करती थी। अलीपुर सेंट्रल जेल एक ऐतिहासिक स्थल है, ये लगभग 116 साल पुराना है और 15.2 एकड़ जमीन लेकर ये स्थित है। अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो कैदी होते थे उन लोगों को कैसे रखा जाता था और कैसे जुलूम करते थे, थोड़ा सा आपको ये लोग दिखाया स्टैचू बना के, तो मैं भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अभी आ गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैचू बना के रखा और जेल का अंदर कैसे रहते थे स्टैचू बना के थोड़ा दिखाया, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा ये देखने के बाद। और मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर एक बार विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना आपको वो फीलिंग आता है जो 100 साल पहले हुआ था। Yeah.
तो अभी जो जेल का अंदर से निकला और आपको देख के मालूम हो गया होगा कि कैसे तकलीफ में रखा होता था और कैसे मार के, मतलब एक जगह में कितना सारे आदमी को डाल के रखता था और मारते थे अंग्रेज लोग। अभी मैं जा रहा हूँ तत्काल जहाँ पे कपड़ा बांधते थे और यहाँ का कैदी जो कैसे रहते थे इसका अंदर वो आपको दिखाऊंगा और कपड़ा कैसे बांधते थे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये तत्काल है और अभी मैं जाऊंगा तत्काल के अंदर। अभी मैं हूँ तत्काल के अंदर और यहाँ पे जितना सारा कैदी देख रहे हैं, ये पूरा कैदी जो है होता है ना, यहाँ पे सिर्फ कपड़ा बांधने का काम करते थे और ये लोग कपड़ा बना रहे, देख सकते हैं जो एक एक करके सूता डाल रहे हैं अंदर और ये लोग कपड़ा बना रहे। ये जो है ना, ये तत्काल है, ये जो जेलर है, ये जेलर कुछ कैदी को डांट रहा है और जो भी यहाँ पे मशीन देख रहा है, ये पूरा मशीन जो है ना, ये पूरा तत्काल है। और तत्काल के अंदर एक साड़ी बांध के तैयार हो गया जो आपको दिखाऊँगा, ये आप देख सकते हैं। ये साड़ी जो है ना, तात साड़ी है और ये बांध के तैयार हो गया। आगे से सूता आ रहा है और यहाँ से पीछे से जो है ना, सामने से ये साड़ी पूरा साड़ी बांध के तैयार होके निकल रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये तात कॉल है और यहाँ का कैदी, जितना कैदी होते थे ये कपड़ा बांधने का काम करते थे। और जितना भी यहाँ पे मशीन देख रहे, पूरा तात मशीन है, ये काम नहीं करता है लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे रखा है। और कैदी लोग को, कैदी जो लोग होता है यहाँ पे खाना बनाता है, देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा रखा है, मतलब कि इधर से इसका अंदर से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता था, मतलब ये यहाँ पे सब कुछ है। इधर में चूल्हा देख सकते हैं, एक है और ये एक है और वो एक है, और यहाँ पे पानी रखने के लिए, एक खाना बनाने के पानी है और दूसरा जो टैंक है ये बाथरूम यूज करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम है, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे ये बाथरूम रखा है। तो मतलब कि जेल का अंदर पूरा सब कुछ, खाना पीना रहना, समझ लीजिए जेल का अंदर ही सब कुछ था। तो सो गाइस, अलीपुर सेंट्रल जेल जो है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, घूमते घूमते थक जाएगा, एक दिन में लगते कवर नहीं कर पाऊंगा। तो जितना हुआ उतना दिखाया और आगे नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो जितना है वो आपको दिखाया। और इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और ये टी शर्ट के लिए और मेरा हिंदी जो लैंग्वेज है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो टी शर्ट नहीं था, आप देख सकते हैं बारिश के वजह से टी शर्ट वो भीग गया। और हिंदी के लिए कुछ भी अगर आपको बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और मैं हिंदी में ब्लॉग करता हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलेगा दूसरा एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।